सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग पहुंच चुके थे गुलमर्ग, एंड नाउ हम लोगों का एक ही टारगेट है कि गुलमर्ग पूरा एक्सप्लोरेशन करना है। उससे पहले यार ये लोग रोक दिए फिर से है, मतलब ये लेके 2 से 3 से 4 5 बार हो चुका है कि हम जगह में कुछ ना कुछ, ये लोग यार पार्किंग नहीं है भाई। पार्किंग अगर होता तो एक जगह में दे देते, ठीक है। ये तो हर चीज़ का मतलब समथिंग लाइक अ टैक्स, ठीक है। कोई बोल रहा है कि प्राइवेट कार है इसलिए ले रहा है, कोई बोल रहा है कि मतलब अलग ही चल रहा है इनका। चलो यार जाने दो। हम लोग देख सकते हो इसकी जो भी गाड़ियां देख रही है ना, इसमें जितने आदमी नहीं पकड़ते एक गाड़ी में, उनसे ज़्यादा तो इनके सामान है। आई मीन क्या ही बताएं, मतलब ठंड की जगह में जाने का एक है। तब तो सही से ठंड भी नहीं पड़ा था, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर की, एंड ऑफ अक्टूबर की बात कर रहे हैं। इधर वो लोकल के लिए कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता? लोकल वाले के लिए कुछ, कश्मीर वालों के लिए नहीं डिस्काउंट मिलता? अलग ही नहीं करते लोकल वालों से, सच्ची ऑफरोडिंग नहीं, ऑफरोडिंग के लिए है। आप इस घोड़े से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को चढ़ना है खुद से, क्योंकि यार अच्छा चीज देखना है ना, तो मेहनत तो डालना पड़ेगा। इसीलिए यार गुलमर्ग में पुलिस स्टेशन भी है, इतना बड़ी मतलब इतनी सी जगह में हर कुछ मिल जाता होगा ना। सही है यार, इससे काफी काफी सारा वो दिख रहा है आप लोगों को जो टॉप में, हम लोग शायद उतना टॉप तक जा सकते हैं। नहीं यार कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या बोला अभी? रेड बोल, रेड ज्यादा बता था, रेड ज्यादा बोल रहे हैं भाई। ओ 1500 बोल रहा है वो, तो सेकंड फेज तक का उतना भी नहीं है। फर्स्ट फेज 2 किलोमीटर ऊपर ऊपर जिधर बर्फ मिलेगा। अच्छा, अरे नहीं ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया। हाँ चले जा रहा, ले तो जा। नहीं ले जाएगा, भले ही अकेले क्यों ना जाए। दादा मेरा जी। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बस गंडोला, आई मीन आप लोगों को समझने में आसानी के लिए मैं बोल देता हूँ, रोप वे जो होता है उसमें चढ़ने के लिए हम लोगों को फर्स्ट फेज तक तो मतलब 700 लेता था, लेकिन अभी बोल रहा है कि फर्स्ट फेज तक 1500 लेगा। सो हम लोग कर दिए कैंसिल, एंड हम लोगों का कुछ अलग प्लान है, वो मैं आगे चल के दिखाता हूँ बताता हूँ। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। 2 BHK फ्लैट्स बर्फे चलो लाओ ये बर्फ को ले जाओ घर में। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए हैं गंडोला के टिकट काउंटर पर, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी कह सकते हो, अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि हम लोगों को ऑनलाइन ये काउंटर पे टिकट नहीं मिला। उस टाइम में आपको प्रीवियसली पहले से ऑनलाइन टिकट बुक करना था, बट हम लोगों को नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि आगे जो हुआ है ना, वो मतलब इसका जो टूरिस्ट का कश्मीर घूमने का जो टेस्ट बोल सकते हो या फिर एक्सपीरियंस, वो 10x ज़्यादा बड़ा देता है। हम लोग फाइनली वन लास्ट ट्राई कर लेते हैं, एंड दैट इज घोड़सवारी, मतलब घोड़ों के सहारे हम ऊपर जाने का कोशिश। अब वो कितना क्या कीमत लेता है चलिए आगे चल के मैं बता देता हूँ। हाँ सर, ठीक है, बहुत अच्छा रहा, ठीक है, बहुत अच्छा रहा। आई मैम आज ये की वो साथ ये की वो आज क्या कहे आपको विश तो भाई साहब फाइनली बात करके ये पता चला कि यार
आपका जो घोड़सवारी वो मतलब वर्थ इट तो है, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा। हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था, मतलब उस सेकेंड फेज तक जाने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसका कैंसिल कर दिए घोड़सवारी के, एंड आगे चल दिए, एक डिसाइड किया क्या, दावा देने वाली ट्रैकिंग। भाई साहब जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। कैसे चलेंगे ब्रो? क्रॉस क्रॉस चढ़ना। अबे इतने में हो रहा है, इतने में जान फट गई। तो करे भाई, बैठ गए। हम लोगों का सेम हालात है, हम लोग भी चढ़ नहीं सकते। कल ट्रैकिंग के लिए जाएगा बोल रहा था, पता नहीं क्या चीज। ये होती है ट्रैकिंग। अबे कोई आया होगा, कौन आएगा? चलो उधर जाओ, उधर चलो, इतनी दूर तो गया है, चलो उधर नहीं, इधर इधर से आएगा, ऐसा नहीं होगा। बर्फ तो ऊपर ऊपर ज्यादा ज्यादा, कहाँ कहाँ पर होगा? चलो चलते हैं ऊपर। करना फिर भी आसान है, उतरने में ही जरूरी करना है। बर्फ भी नहीं है, चलो क्या करना है सर?
आराम से बात की जाओ वहाँ थे मैं जब आया था हम कुछ तक ऐसे ही चले थे और मेरी टिकट भी थी टिकट नहीं थी ऐसे ही चले आओ दबाओ वैसे रिक्शे डालो चलो चलना भाई अब नहीं जाना भाई क्यों नहीं होगा क्यों क्या हुआ कल भी पता नहीं जाएंगे हाँ तो नहीं जाएंगे फिर क्या करोगे हम लोग से ना कुछ और प्लान करो ओ मुनीब क्या आज क्या आजा नीचे आजा हो जा ये मैच दबाने खास हुई नु वार्ड दो बंदे पूरे ढेर हो चुके हैं और हमारे साथ ट्रैकिंग पर जा रहे हैं वो क्या है क्या आउल है क्या कौन उधर एक दिख रहा है किधर पे क्या दिख रहा है तुझे आउल जैसे या कुछ दिख रहा है किधर हिल रहा है वो जो कोने में वो देखो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है वो पत्ता जो गिरा ना उसी के पास ढीले नहीं है नहीं तो लगाते पता नहीं कहाँ है अच्छा हम लोग को लग रहा है वही सबसे ऊंचा है या उसको ऊपर जाने से और भी ऊंचा मिलेगा हाँ और भी ऊंचा मिलेगा ना अबे यार हम जब ट्रैक करते हैं ना तो ऐसे ऐसे चार पांच पहाड़ हम चढ़ते हैं तब जाके पहुंचते हैं मेन लोकेशन पे जहाँ हम बताते हैं कोंसरनाक ऐसे ऐसे बोर इससे इसकी ढुलान तो कुछ नहीं है उसका एक पहाड़ ऐसे सीधे होता है अरे भाई ऐसे कोई चल नहीं पाता है उस पे तो जैसे हम चढ़े रस्सी से उतरे हो नहीं ऐसे हाथ दबा के चढ़ते चलो पार्क है ऊपर कुछ बोल रहा है चलो शारिक आओ चलो आप लोग आगे चलो इतना मेहनत डाल रहे हैं चलो शारिक आओ चलो भाई कमर कस लो और चल लो
शाबाश। चल भाई आजा आज ना, मैं नहीं थकूंगा तू थकेगा। चल जा जा ना। अबे अबे इसको तो ले जा, थोड़ा सा जाना है। शरीक शरीक तू तो ट्रैकिंग पे आ रहा था। ओ भाई और हिम्मत नहीं है भाई, भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। मैं माता जो इसमें आया भाई तो 200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। दिस इज माई फर्स्ट टाइम और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, मजा आ रहा है, उससे ज्यादा सजा आ रहा है। ओह माय गॉड, निकल गया, हेगड़ी निकल गई। चल मेरे शेर इस साइड आ जा, चलो चलो। चलो आराम से। ओ हाय करना है बट अभी नहीं। कब करना है फिर डिसाइड करेंगे, पहले अपना हेल्थ का ठीक कर लेते हैं। वो चाची बोल रही थी ना इस भाई को, ये बोल रहा था मैं कौशल ना ट्रैक करूंगा। कौशल ना किसका मतलब डीम है? नहीं 10% भी नहीं, अरे 5% भी नहीं है का, 5% भी नहीं है। अरे फिर तो सपना सपना रहेगा, मेरा सपना अधूरा रहेगा रूपति। मत दिखा शरीक भाई, फिर से कश्मीर आना चाहेगा हमारे साथ। एडवेंचर को पसंद करता था भाई, लेकिन थोड़ा सा एडवेंचर किया नहीं, अब भी है, पसंद अब भी है। लेकिन जाना ही नहीं चाहते, मगर थोड़ा देर लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। सो थोड़ा तो मंग बाय टाइम, मतलब अल्लाह की कसम वो क्या एडवेंचर करेंगे। हाँ कसम खुदा, अरे वो तो कार से चलते हैं, घोड़े से चलते हैं, वो क्या फायदा है भाई। लेकिन भाई अब दिक्कत और भी है, उतरेंगे कैसे? उतरेंगे कैसे?